अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर 2020। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गणित मॉडल पेपर 1। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपका पेपर 25 नंबर का आता है, 25 में से आपको 12 नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए। अब दोस्तों, आपकी जो पेपर की तारीख है वो बिल्कुल नजदीक आ चुकी है, परीक्षा की नई तारीख। तो चलिए देखते हैं आपकी तैयारी कितनी है। और सिंपल सी बात है दोस्तों, जैसा कि आप पेपर का पैटर्न समझते होंगे कि 5 नंबर के बहुविकल्पीय क्वेश्चन, 6 नंबर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न और 14 नंबर के दोस्तों आपके लघु उत्तरी, टोटल आपको 12 नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए। तो शुरुआत होती है आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों से, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, √2, √4 और √2, √4 में परिमेय संख्या है। देखिएगा, इस परिमेय संख्या का सिंपल सा बस आप इतना देख लीजिएगा, जो अंडर रूट से बाहर आ जाए वही इसका आंसर हो जाएगा। आपके सामने चार विकल्प दिख रहे होंगे, आपके समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा यार क्या आंसर सही होगा। जैसे आपका लिखा √4, √4 दोस्तों जब अंडर रूट से हटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 बचेगा ना। लेकिन दोस्तों √2 की जो वैल्यू आती है 1 point something में आती है। जैसे 0.4 लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, समझ रहे आप, ये 0 हटेगा तो यहाँ पर दोस्तों नीचे आ जाएगा 10, तो ऊपर से दोस्तों 2 तो बाहर आ जाएगा लेकिन अंडर रूट में 10 तब भी रह जाएगा, 2 1/√10 ऐसे करके। तो जो इसका सही आंसर आएगा, परिमेय संख्या दोस्तों पूछा गया, बस आप इतना देख लीजिएगा इसमें से जो अंडर रूट से बाहर हो जाए वही इसका आंसर होगा। तो मतलब पहला जो इसका सही आंसर होगा √4, ठीक है। √4 का मान कितना होता है आपने देख लिया, इसका मान होता है 2। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है, इसको जरा हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन ये दोस्तों कि 33.328, ठीक है, हमें अंक 2 का स्थानीय मान हमको बताना है। 2 का स्थानीय मान आपके सामने चार विकल्प हैं, आप लोग गेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए हम आपको करके दिखाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है और मजा भी आती है स्थानीय मान ज्ञात करने में। 33.328 पूछा किसका गया है, तरीका याद कर लीजिएगा दोस्तों, कभी भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना, जिसका स्थानीय मान ज्ञात करना उसके नीचे एक डंडी ऐसे खींच दीजिएगा या 2 लिख दीजिए, ठीक है। स्थानीय मान 2, जो भी दोस्त यहाँ संख्या लिखे 2 लिखा था, 2 आएगा, 8 होता तो 8 आता। हम इसका स्थानीय मान बताना है। आप 0 के नीचे दोस्तों एक लाइन खींच दीजिएगा या 0 लगा दीजिएगा, लाइन मत खींचे थे। और कितनी संख्या दोस्तों बच रही, 0 और इसके बीच में 3 है ना, तो 3 एक 0 ऐसे उतार देंगे, तो इसका जो हमारा सही आंसर आएगा 0.02, ठीक है, बस ये सही आंसर होगा। मतलब हमारा जो सी वाला विकल्प है यही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0.02, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान होते हैं पेपर में। अगर ऐसा लिखा होता दोस्तों कि 143, इसका स्थानीय मान पूछा जाता, जैसे 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 के नीचे डंडी की दिए, 4 लिख दिए, आगे दोस्तों 0.00 कोई दिक्कत नहीं, तो आप ऐसे आगे लगा दीजिए 0। इधर हम दाएं साइड चलते हैं 0 वाले में, बाएं साइड चलते हैं, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बाएं का मतलब दोस्तों यहाँ 0 के हम इधर गए ना, तो इधर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न, तीसरा क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं हम लोग। अब हमें निकालना है एलसीएम। तीसरा क्वेश्चन है कि संख्याओं 10, 65 व 91 का लघुत्तम समापवर्त है। क्वेश्चन देखने में काफी आसान है, बस देखिए आपकी तैयारी अगर बढ़िया होगी तो आप ऐसे प्रश्नों को करने में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर आपकी तैयारी ठीक नहीं है तो समय लगेगा। एलसीएम का दोस्तों पैटर्न देखिए, एक बात और बता दे, अगर आपको तुक्का लगाना है 91 का भाग 130 में जाएगा, नहीं जाएगा, ये कट गया, 1000 में नहीं जाएगा, ये भी कट गया, 910 में दोस्तों उम्मीद हो सकती है। देखिए 10 का भाग तो सब में चला जा रहा है, तो ऐसे आप थोड़ा बहुत तुक्का गेस कर सकते हैं कि समय कम बचा है। लेकिन चलिए दोस्तों इसका हम एलसीएम निकाल कर दिखा देते हैं। 10 हो गया, 65 हो गया और 91, ठीक है ना, 91। सबसे पहले दोस्तों भाग किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 5 10, ये 65 लिखा है, ये 91। अब 5 से भाग जाएगा, 5 1 5, 5 1 5, ठीक है, 5 3 15, 91। अब 200 भाग किससे आएगा, यहाँ पर 13 से आएगा ना, ये 1 था, 13 1 13 हो गया, 13 7 91, और लास्ट में 7 से भाग चला जाता है, 7 से पहले कर देते तो बेहतर होता, ठीक है। चलिए ठीक हो गया, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, आएगा 2 × 5 × 13 × 7। आप इसको आसान से करने में तरीका आपको बताते हैं, आसान से कैसे आप बुरा कर सकते हैं। 5 × 2 करेंगे तो 5 × 2 = 10 आ गया, 13 7 91 आ गया, 91 × 10 करेंगे 1 0 आगे लग जाएगा, 910 आंसर हो गया, ठीक है। अगर दोस्तों आप 13 × 65 में कर 5 से कर देते, 13 5 65, 7 2 14, तो थोड़ा सा गुणा भाग करने में कठिनाई होती ना, तो इन सब चीज़ों को भी जरा ध्यान रखिएगा, जहाँ पर अगर आपको 5 दिख जाए, ठीक है ना, और लास्ट में दोस्तों संख्या डिजिट में 2 हो 4 हो ऐसे हो, तो 0 करके करके करेंगे तो बढ़िया रहता है। तो इसका जो सही आंसर हो गया हमारा वो विकल्प नंबर सी हो गया, 910 इसका करेक्ट आंसर है। भाई हर एक क्वेश्चन के आपको एक नंबर मिल रहे हैं, याद रखिएगा वीडियो में,
तीन बहुविकल्पी क्वेश्चन सही हुए तो 3 नंबर आपके बन चुके हैं। अब आप देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहा है, इसको हम लोग देखते हैं कि दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है, आपको ये बताना है कितनी होती है। आप बताएंगे 10 होती है, 20 होती है, 111 होती है कि अनंत होती है। ठीक है, अनंत की जगह दोस्तों कभी कभी ऐसे इनफाइनाइट का चिन्ह भी बना हो सकता है, इसको भी जरा ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, बिना सोचे समझे आपको बताना, इसका जो आंसर होगा अनंत हो जाएगा। ठीक है ना, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच असंख्य या अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। क्वेश्चन काफी आसान था, लेकिन ये क्वेश्चन दोस्तों डीएलएड 2016 में पूछा भी जा चुका है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं आज का अंतिम बहुविकल्पीय प्रश्न। क्वेश्चन क्या दोस्तों, पांचवा, कि समीकरण 2.8x बराबर 5.4 प्लस एक्स का हल है। क्वेश्चन देखने में काफी आसान है, लेकिन दोस्तों ऐसे प्रश्न पेपर में आते हैं तो आपको तैयारी होनी ही चाहिए, और ये क्वेश्चन डीएलएड 2017 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या था आपका, 2.8x बराबर 5.4 प्लस का एक्स है ना, तो चलिए एक्स को एक तरफ कर लेते हैं, 2.8x लिखा है। ठीक है, 2.8x लिखा है, माइनस का इधर एक्स आ जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 5.4। या तो आप एक काम करिए, यहाँ से एक्स कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा आपका कितना, 2.8 माइनस का 1 बराबर 5.4। इससे आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगी, बस इसलिए हमें कॉमन किया, नहीं तो जरूरत नहीं थी। ठीक है, 2.8 में से एक घटेगा, कितना बचेगा आपका, 1.8 बच जाएगा ना, तो यहाँ से एक्स बराबर हो जाएगा एक्स इंटू 1.8 आ जाएगा घटाने के बाद, बराबर 5.4। तो यहाँ से एक्स का मान जो निकालेंगे तो हो जाएगा 5.4 बटे 1.8 या 1.8, दशमलव से दशमलव कट गया, 18 1 18, 18 3 54, तो हमारे यहाँ से एक्स का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा सिंपल सा 3। तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, अगर आपकी तैयारी बढ़िया है तो देखिए पेपर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तैयारी खराब है तो दिक्कत होगी। ये सब क्वेश्चन एक एक लाइन के होते हैं, लेकिन हम आपको समझाने के लिए इतना लंबा किए, नहीं तो ये क्वेश्चन आप सिंपल सा दोस्त आप ये देख कर बोल सकते हैं, 2.8x में से 1x घटेगा, बचेगा 1.8x। ठीक है ना, 18 कह सकते हैं, अगर ऐसे सारे दशमलव हटाते हैं तो 18x बराबर हो जाता 54, तो 18 3 54 कट गया, लेकिन दशमलव हटाने के बाद, नहीं तो ऐसे आप इसको ऐसे ही पढ़ेंगे 1.8x या 2.8x या बराबर 5.4, ऐसे करके आप पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। आप शुरू होंगे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, नंबर आप कैलकुलेट करते रहिए। अब चलिए दोस्तों बारी आती है आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं अति लघु उत्तरीय का क्या है। 6 नंबर, एक्स वाई माइनस जेड प्लस वाई जेड माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई का आपको मान ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पेपर में आते हैं, और ये क्वेश्चन आपका दोस्तों डीएलएड 2017 में पूछा जा चुका है। ठीक है ना, तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले दोस्तों यहाँ एक्स का गुणा अंदर कर लीजिए, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई हो जाएगा, इंटू में एक्स माइनस का एक्स जेड हो जाएगा ना, एक्स गुणा जेड से करेंगे, प्लस का दोस्तों क्या हो जाएगा, वाई को गुणा जेड से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, वाई इंटू जेड हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह जैसे कि वाई इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस का दोस्तों करिए, जेड इंटू एक्स का क्या हो जाएगा, सिंपल सा जेड एक्स हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, जेड इंटू वाई। तो आप जरा देखिए कुछ चीजें क्या कट रही है, यहाँ पर एक्स वाई लिखा है और दोस्त यहाँ पर भी लिखा है वाई इंटू एक्स, मतलब बात वही उल्टा लिखा है, तो ये जाएगा कट। उसके बाद दोस्त यहाँ पर माइनस एक्स जेड लिखा और यहाँ पर जेड एक्स लिखा, तो ये भी कट जाएगा, वाई जेड लिखा और यहाँ पर माइनस जेड वाई, तो ये भी आपका कट गया। बचा क्या दोस्तों, सब कुछ कट गया, तो बचा आपका 0, यही आपका आंसर होगा। अगर आप इतना करेंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। देखिए दोस्तों कितने लाइन का क्वेश्चन है, ये सिर्फ 1 लाइन का क्वेश्चन है, आपने खाली इसको अंदर गुणा कर दिया और आंसर उसी लाइन में आप बराबर 0 लिख देंगे। तो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन का आपको ये फायदा होता है, आसान होता है करना, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 7वां क्वेश्चन क्या रहा हमारा, कि एक रेलगाड़ी की चाल हमें दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोस्तों आपके सामने चाल है, और दोस्तों फिर लिखा है कि वह एक्स प्लस 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए दो चीजें आप समझिए, पहले दोस्तों ये आपका चाल दिया गया है, ये आपका दोस्तों समय दिया गया है, और आपने फार्मूला पढ़ा है कि दूरी बराबर क्या होता है, बताइए क्या होता है दूरी बराबर, दूरी बराबर होता है आपका सिंपल, तो जो फार्मूला होता है उसके हिसाब से चाल गुणे समय, बस यही करना था हमें, आंसर मिल जाएगा हमें। चाल दोस्तों में क्या दिया गया था, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, ये हमें चाल दिया गया है। उसके बाद समय की जगह हम क्या रख देंगे, x+2 रख देंगे, बस इसका गुणा जोड़ घटाना करना, बस हो गया, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या करेंगे, यहाँ x का जो ये गुणा है ना, अंदर पूरे करिए इस ब्रैकेट के अंदर, x इंटू स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा देते हैं, x का गुणा जब ऐसे करेंगे तो x² हो जाएगा प्लस x × 3x लिख जाएगा प्लस का x × 2, प्लस का दोस्तों हो जाएगा जब 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 2x² हो जाएगा प्लस 2 3 6x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 202 2 4 हो जाएगा।
अब इसको एक साथ लिख लेते हैं, यहाँ पर x इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया x का क्यूब हो गया, प्लस का दोस्त ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा आपका दोस्त यहाँ पर 2x, प्लस का आपका यहाँ पर 2x स्क्वायर पहले से है नीचे, ठीक है ना, ये वाला, फिर यहाँ पर 6x प्लस 4, ठीक है, ये हो गया। आप फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं, सबसे पहले दोस्त आपका एक्स क्यूब हो गया, ये जो था 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 3, तो 5x स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ देख रहे हो 2x प्लस 6x जोड़ देंगे तो 6 2 हो जाएगा हमारा 8x हो जाएगा, प्लस क्लास में 4, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आसान रहता है, खाली हमें फार्मूला याद रखना था कि दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। अगर फार्मूला बेस भी आप इस क्वेश्चन को आधा कर भी देंगे तब भी आपको आधा नंबर मिलेगा। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों हमारा 8वां क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि एक्स प्लस 1/x बराबर 5, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ऐसे दोस्तों क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आ रहा, लिखा था एक्स प्लस 1/x बराबर में दिया गया 5, ठीक है, तो दोस्तों हमें मान ज्ञात करना था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको सिंपल से एक फार्मूला याद रखना है, पी स्क्वायर माइनस का 2। पी का मतलब दोस्तों ये हो जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा कितना, 25। ऐसे लिख लीजिए 5 स्क्वायर माइनस का 2 बराबर दोस्तों हो जाएगा 25 माइनस 2 बराबर हो जाएगा आपका 23, आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूरे तरीके से करना है, जैसे हमें x प्लस 1/x बराबर 5 दिया गया था, हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है, तो हम इस क्या करेंगे, इधर का भी दोनों पक्षों का हमें वर्ग कर देने पर, ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग। तो आप इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इधर भी वर्ग कर देंगे, इधर भी 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा दोस्तों स्क्वायर करने पर, खोलने पर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला होता है ना, इंटू 2 इंटू एक्स इंटू 1/x बराबर 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25। ये x x कट जाएगा, ये आपका बचेगा दोस्तों आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों ये 25, यहाँ पर बचा 2, सब कट गया, 1 था ना, तो 25 माने 2 हो जाएगा, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 23, ठीक है गाइस। तो चाहे आप जैसे करेंगे आपका आंसर वही मिलेगा, लेकिन एक नंबर का क्वेश्चन है तो हमें नहीं लगता कि ज्यादा समय इस क्वेश्चन को देना चाहिए था हमें। हाँ, अगर दो नंबर में क्वेश्चन होता तो हम ऐसे स्टेप वाइज करते तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन आपके ऊपर है कि आप कैसे करना चाहेंगे। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 9वां क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि यदि a प्लस 1/a बराबर 2 है, तो आपको 1/a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। पिछले क्वेश्चन के जैसा है, अगर आप पिछला क्वेश्चन समझेंगे तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। मतलब a प्लस 1/a बराबर दोस्तों आपको 2 दिया गया है, तो आपको जो मान ज्ञात करना है, मान निकालना आपको 1/a स्क्वायर का प्लस का a स्क्वायर का आपको मान बताना है, ठीक है, इसका मान क्या होगा। तो हमने क्या बताया था, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप फार्मूला याद रखिएगा, पी स्क्वायर माइनस का 2, तो पी की जगह दोस्तों 4 का 2 का स्क्वायर करेंगे ना, यहाँ पर एक एक स्टेप दिखा देते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 2 बराबर आपका आंसर आ जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तब भी आपका 2 ही आंसर आएगा, या तो दूसरा तरीका दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर दोस्तों हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या खोलेंगे, तो ए प्लस बी का फार्मूले से, तो ए स्क्वायर प्लस का 1/a का होल स्क्वायर प्लस का 2ab, 2 इंटू ए हो जाएगा इंटू 1/a बराबर आपका 2 का स्क्वायर होगा 4, a से a गया कट, तो बचा कितना दोस्तों आपका यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस का 1/a स्क्वायर बराबर आपका बचेगा 4 में से 2 घटा 4 माइनस 2 बराबर आपका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा प्रॉपर तरीके से, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 2, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आपके आ सकते हैं। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 10वां क्वेश्चन कह रहा हमारा कि -9/11 के योगात्मक प्रतिलोम आपको ज्ञात करना है। इसका सिंपल सा आंसर, जी हाँ दोस्तों, अब तक का सबसे आसान क्वेश्चन, योगात्मक प्रतिलोम में क्या हो जाएगा, -9/11 का आंसर हो जाएगा ये प्लस का 9/11, बस ये आंसर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि मैं जैसे -4/9 का आपको बताना है गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, अभी तक योगात्मक हमने निकाल लिया, चिन्ह बदल गया, लेकिन गुणात्मक की दोस्तों बात आ जाएगी तो कैसे ज्ञात करेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। जैसे मान लेते दोस्तों हमने बताया प्रतिलोम, 4/9 का क्या हो जाएगा दोस्तों आपको बताना है कि गुणात्मक प्रतिलोम, तो सिंपल सी बात याद रखिएगा गाइस कि कभी गुणात्मक प्रतिलोम बोला जाए तो ऐसे लिखिएगा, जैसे मैंने 4/9 का निकाला, कुछ भी निकाला तो उसका मल्टीप्लाई एक्स से कर दीजिएगा आप लोग अपने मन से इमेजिन करके, या ए बी सी डी कुछ भी रखिएगा, -4/9 इंटू एक्स बराबर 1 हो गया, तो यहाँ से दोस्तों हमारा एक्स का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा माइनस का 9/4, संख्या जाएगी पलट, 9 से ऊपर गया 4 नीचे आ गया, माइनस का 9/4, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन काफी देखिए आसान था, ऐसे क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ जाते हैं। तो गुणात्मक प्रतिलोम योगात्मक में समझ गए, योगात्मक में आपका चिन्ह बदल जाता है, जैसे -9/11 का हो जाएगा हमारा प्लस का 9/11, अगर दोस्तों जैसे -4/9
जी हाँ दोस्तों, मैं क्या बोला, माइनस 4/9 का गुणात्मक अगर आपसे पूछा जाता तो बस पलट दीजिए संख्या को, 9/4 कर दीजिए, लेकिन माइनस चिन्ह यहाँ पर हटेगा नहीं। ठीक है, ये सब बात आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, -5, फिर दोस्तों ये देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पर जोड़ घटाना गुणा भाग है, लेकिन देखने में आसान लग रहा है लेकिन होता कठिन है। आप एक छोटी सी गलती करते हैं और यहाँ पर आपके नंबर 0 हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों जब क्वेश्चन आता है तो पेपर कठिन कर दिया जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, पहले आपको दोस्तों यहाँ पर भाग का चिन्ह दिख रहा है, बॉर्ड बॉस में डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन, एस है सब्ट्रैक्शन, डी का मतलब भाग। तो सबसे पहले हम भाग का चिन्ह दिखेंगे, भाग के बाद दोस्तों हमारा नंबर आएगा दूसरा गुणा का नंबर, गुणा के बाद आएगा आपका जोड़ का नंबर, फिर घटाना। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे जरा देखते हैं। पहले तो सबसे पहले दोस्तों हमारा जो ब्रैकेट वाली बात है, जैसे यहाँ पर लिखा है -5, ठीक है ना, फिर दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे आप, यहाँ पर बीच में माइनस का चिन्ह है और यहाँ भाग का चिन्ह है, तो इसको हम लिखेंगे -45/-15। पहले भाग वाला हम खत्म करते हैं, माइनस माइनस चिन्ह जाएगा कट, 15 कम 15, 15 से यहाँ 45 हो गया। ठीक है, आगे दोस्तों पहले पूरा लिख लेते हैं, नहीं तो जल्दबाजी में हम गलती कर सकते हैं। -3/5 हो गया ये। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपका -5, ये माइनस का चिन्ह पहले से बाहर था, तो ये हो जाएगा -3, प्लस का दोस्तों यहाँ गुणा करना है, 5 × 3 5 -15, तो 15 × 5 = 20, 3 = 23, तो माइनस का 200 हो गया 23, यही आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे आसान से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बोर्ड मॉस से भी। तो इन सब प्रश्नों की अगर आपकी तैयारी होगी, देखिए प्रैक्टिस अगर आप ऐसे प्रश्नों की करेंगे तभी कर पाएंगे, नहीं तो जब पेपर आएगा, जब आप वहाँ पर माइनस का घटाने का चिन्ह गुणा जोड़ सबका एक साथ देखेंगे ना, तो दिमाग आपका घूम जाएगा। ठीक है, इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे आज के लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो दोस्तों अब चलिए शुरू करते हैं आज के लघु उत्तरीय प्रश्नों को। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, जो लघु उत्तरीय प्रश्न आपके पेपर में आता है, प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों आपका 2 नंबर का होता है। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 64, तो दोस्तों आपको बताना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान आपको ज्ञात करना है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है, 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में जो आपको नंबर मिलता है वो स्टेप वाइज मार्किंग का मिलता है। जी हाँ दोस्तों, जितने आप स्टेप अधिक से अधिक करेंगे उतने ही अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। कभी कभी क्या होता है, जो आपका फाइनल आंसर आता है वो गलत आ जाता है, लेकिन तब भी आपको नंबर मिल जाता है, लेकिन अगर आपने स्टेप वाइज किया होगा तब। चलिए दोस्तों पहला स्टेप में दोस्तों देखते हैं, इसका पहले फार्मूला देखते हैं। आपको एक फार्मूला पता होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, आपने इसका फार्मूला पढ़ा होगा, जिसका फार्मूला होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। ठीक है, प्लस का होता है आपका 2xy प्लस दोस्तों होता है आपका 2yz प्लस का 2zx। ये आपने फार्मूला इसका पढ़ रखा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 2016 का था, इसमें यहाँ पर लिखा है। तो हमें दोस्तों मान निकालना है xy प्लस yz प्लस zx। आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे 2 हर जगह दिख रहा है, इसको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर पहले x प्लस वाई प्लस जेड का दोस्तों में जो मान दिया गया है 12 दिया गया ना यहाँ पर, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पर, क्या रख देंगे 12 का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, हमने फार्मूला में दोस्तों इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अगर हम एक साथ यहाँ पर देखें तो इसका मान हमें दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 64। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिख देंगे 64, प्लस का दोस्तों यहाँ पर 2 आपको कॉमन दिख रहा था, जैसे यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा दोस्तों हमारा ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का बचेगा जेड और एक्स। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है बताइए, 144 होता है, बराबर हो जाएगा आपका 64 प्लस का दोस्तों ब्रैकेट में आपका हो गया 2xy प्लस का yz और प्लस का zx। ठीक है, अब दोस्तों 144 में से 64 हम घटा लेंगे, 144 64 इधर आएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ पर 2 आपका कॉमन है, तो xy प्लस का yz प्लस का जेड एक्स। आप सोच रहे हैं दोस्तों हम इसको एक लाइन में क्यों नहीं करती है। जी हाँ गाइस, आपको यहाँ से लग रहा है यार कि इसको एक लाइन में करना पॉसिबल है, लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग घुमाना है कि हमें स्टेप वाइज नंबर मिलते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रखकर आप 2-4 लाइन ज्यादा लिख देंगे तो बेहतर होगा, जल्दबाजी के चक्कर में दोस्तों आपके नंबर कट सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपके अति लघु उत्तरी का होता है, 1 नंबर का होता है, तो दोस्तों हम ये तरीका अपनाते हैं, डायरेक्ट आंसर करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन लघु उत्तरी का है तो हम रिस्क नहीं लेंगे। 4 में से 4 गया 0, 14 में से 6 गया, बचेगा यहाँ पर 8। ठीक है ना, बराबर दोस्तों जाएगा आपका 2 यहाँ पर एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स। ठीक है, आप सीधे दोस्तों भाग कर देंगे, दोस्तों यहाँ कितनी बार चला जाएगा, ये जाएगा आपका 40 बार में। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ से मान आ जाएगा 40, बराबर हो जाएगा आपका एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।
इसको थोड़ा और अच्छे से हम लिख लेते हैं, ऐसे लिखेंगे एक्स वाई, ठीक है, प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स। तो राइटिंग थोड़ी हमारी ख़राब है तो राइटिंग अच्छी नहीं हो पा रही, लेकिन आप लोग दोस्तों पेपर में बढ़िया राइटिंग में लिखेंगे तभी आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका 40 आंसर आ गया, इसको ऐसे आंसर करके खत्म करेंगे। तो गाइस लघु उत्तरी का पहला क्वेश्चन आपको कितने नंबर मिले आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 2016 का क्वेश्चन है, चलिए अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों हमारा 13 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल है दोस्तों वो 0.5 हेक्टेयर है, ठीक है ना। यदि इस मैदान की एक भुजा आपकी 125 मीटर है तो आपको दूसरी भुजा ज्ञात करनी है। क्वेश्चन काफी आसान है। तो आयत का क्षेत्रफल का दोस्तों फार्मूला क्या होता है आपका, सिंपल सा लंबाई गुणे चौड़ाई। लेकिन आयतकार मैदान का जो क्षेत्रफल दिया गया है वो हमें दिया गया हेक्टेयर में, कितना दिया गया दोस्तों 0.5 हेक्टेयर। और इसकी जो एक भुजा दी गई इसको जरा देखिए, इसकी दोस्तों एक भुजा में दी गई 125 मीटर। या तो दोस्तों हम इस मीटर को हेक्टेयर में बदल लें या दोस्तों इस हेक्टेयर को मीटर में बदल लें, सिंपल सी बात है, बस आपको ये काम करना है। तो पहले आपको एक बात बताना चाहेंगे कि जो आपका 1 हेक्टेयर बराबर होता है, इसको याद रखिएगा हमेशा, लिख लीजिए कॉपी पर, 1 हेक्टेयर बराबर दोस्तों आपका होता है 10,000 वर्ग मीटर। कितना दोस्तों 10,000, ठीक है ना, 10,000 वर्ग मीटर। ये दोस्तों 10,000 लिखा, चलिए नीचे हमने कॉमा लगाया था, अगर आपको समझ में ना रहा इसको हटा देते हैं। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर, लेकिन क्वेश्चन में दोस्तों हमें इसका आयताकार क्षेत्रफल दिया गया था 0.5 हेक्टेयर। तो 0.5 में दोस्तों हम 10,000 का जब गुणा करेंगे, मतलब ऐसे लिखिएगा आप लोग 0.5 हेक्टेयर, ठीक है, का मतलब क्या हो गया दोस्तों आपका 0.5 गुणे में 10,000 आप कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा दोस्तों, एक 0 से 10 हट जाएगा तो होगा आपका 5,000 वर्ग मीटर। ये दोस्तों जरूर लिखेंगे आप लास्ट में वर्ग मीटर, क्योंकि दोस्तों जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो हमेशा किस में होता है, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर में होता है, या सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग इकाई का है तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ऐसे हो गया, तो ये हमें दोस्तों इसका चलिए पता चल गया। देखिए हम वर्ग मीटर में इसको क्यों बदले पता आपको, क्योंकि दोस्तों अगर इसका जो क्षेत्रफल है वो भी वर्ग मीटर में या मीटर में आ जाएगा, भुजा भी मीटर में, तो दूसरी भुजा हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब आयत का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है सिंपल सा होता है, वो होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, या तो एक भुजा गुणे दूसरी भुजा कर दीजिए। क्षेत्रफल दोस्तों हमें अभी निकाल लिया हमने 5,000 वर्ग मीटर, कितना रख देंगे यहाँ पर 5,000 रख देंगे, ठीक है, बराबर दोस्तों इसकी एक भुजा या पहली भुजा कहिए दूसरी भुजा कहिए 125 है, एक भुजा आपकी 125 होगी दोस्तों, दूसरी भुजा जो हमारी है उसको मान लेते हैं P, ठीक है। तो P बराबर दोस्तों हो जाएगा आपका 5,000 बटे 125, कितना हो जाएगा 125। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, चलिए पहले हम 25 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, 2 0, 5 से भाग कर देंगे 5 के 20 0। तो दोस्तों हमारी दूसरी भुजा आ गई, वो आई हमारी 40। अगर आप 40 लिख देंगे तो आपका एक नंबर कट जाएगा, याद रखिए स्टेप वाइज मार्किंग है, तो आप पूरा लिखेंगे 40 मीटर। जी हाँ दोस्तों, जो यूनिट होती है लास्ट में जो हमने मीटर लिखा है, इससे दोस्तों बहुत फर्क पड़ेगा आपके पेपर में। अगर आपने इतना छोड़ दिया फिर आप कहेंगे यार हमारे 25 में 25 नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है गाइस। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपका डीएलएड 2016 में पूछा जा चुका है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि एक नए पंचायत में 2x+3 ग्राम सभाएं हैं और प्रत्येक ग्राम सभा में x2+5x+6 नलकूप है। यदि दोस्तों नया पंचायत में आपको ये बताना कुल कितने नलकूप हैं, यदि x बराबर 1 हो तो नलकूपों की संख्या भी आपको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है ना, लेकिन आपको इसको समझना पड़ेगा। काफी बार क्या होता है ना कि ऐसे जब बड़े क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे देख कर ही डर जाते हैं, क्वेश्चन पढ़ते तक नहीं है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आसानी से आ जाएगा। आपको इसको ऐसे समझना है कि एक नया पंचायत में दोस्तों मान लेते हैं कि 10 ठो ग्राम सभा है, ठीक है, इतना समझिए। और प्रत्येक ग्राम सभा में दोस्तों अगर 2 ठो नलकूप है तो नया पंचायत में कुल कितने नलकूप हुए, आप कहेंगे सिंपल था 10 का गुणा 2 से कर दीजिए 20 आ गए, ये अंतर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा अंतर हो सकता है, लेकिन इस बार क्या दिया गया कि एक नया पंचायत में दोस्तों आपका कितने हैं 2x+3 ग्राम सभाएं और प्रत्येक ग्राम सभा में दोस्तों x2+5x+6 ये क्या है नलकूप है। तो इन दोनों का हम गुणा कर देंगे तो हमें क्या आंसर मिल जाएगा, जी हाँ दोस्तों मिल जाएगा। तो गुणा करके चलिए देख लेते हैं, पहले 2x का गुणा दोस्तों पूरे अंदर में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2x³ हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से लिख लेते हैं। फिर दोस्तों जब 2x का गुणा 5x से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 10 x का मतलब x² हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका 2x का गुणा 6 से हो जाएगा 6 × 12 x हो जाएगा। अब प्लस दोस्तों 3 का गुणा x² के साथ होगा तो 3x² हो जाएगा, प्लस का 3 का गुणा 5 से करेंगे 3×5 15x होगा, और 3×6 करेंगे लास्ट में 3×6 18 आ जाएगा, ठीक है।
तो अब दोस्तों देख लेते हैं क्यूब वाला ये टर्म है, स्क्वायर वाला कौन कौन सा, इसको देख लेते हैं क्योंकि जो सेम होगा उसको हम जोड़ देंगे। तो पहले हो गया दोस्तों आपका 2x³ ऐसे ही रहेगा, प्लस का 10x² प्लस 3x, ये हो जाएगा आपका 13x² हो जाएगा, प्लस का दोस्तों यहाँ 12x है, यहाँ 15, 15 12 हो गया 27x हो गया, प्लस का आपका 18 लास्ट में, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में क्या लिखी है यहाँ पर, x बराबर आपको 1 दिया गया। देखिए दोस्तों एक बात और आपको बता दी इस प्रश्न में कि अगर इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें x का मान 1 ना दिया गया होता तो हमारा फिलहाल दोस्तों जो आंसर होता वो यहीं पर समाप्त हो जाता, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाता। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर x बराबर 1 दिया गया है, इसका मान 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आपको एक बात और बताते हैं, हम इस क्वेश्चन में शुरुआत में x का मान 1 रखते तब भी वही आंसर आता, अब भी वही आएगा, लेकिन हमें स्टेप वाइज मार्किंग चाहिए, हमें ज्यादा नंबर चाहिए, तो हमें ये तरीका अपनाना पड़ेगा। एक्स का मान एक रखना मतलब यहाँ पर 2 हो जाएगा, एक्स की जगह दोस्तों आप 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 213, x² एक्स की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 27, एक्स की जगह दोस्तों आप 1 रखेंगे गुणे 1 हो जाएगा, प्लस का 18, ठीक है। 1 का क्यूब 1 ही होता है तो मतलब यहाँ पर 2 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 13 हो जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा ना, फिर 27 हो गया प्लस 18। आप सबको जरा जोड़ लीजिए कितना आता है, 13 2 15 हो गया, 15 और 27 कितना होता है ये आपको बताना है, 27 और 15 42 हो जाएगा, 42 और 18 हो जाएगा दोस्तों आपका 60 हो जाएगा। तो दोस्तों जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो 60 नल कूप आ जाएगा, ठीक है ना। इसको बढ़िया कॉपी में आप ऐसे लिख लीजिएगा और आपको पूरा नंबर मिलेगा। ये दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए जब तक आप पूरा तरीका नहीं अपनाएंगे तब तक आपको पूरा एग्जामिनर मतलब नंबर नहीं देने वाला, याद रखिएगा गाइस, गलती आपसे ही होती है, आप लोग शॉर्टकट मारते हैं। आप चलिए शॉर्टकट भी हम आपको बता देते हैं दोस्तों, अगर हमें सिर्फ नल कूपों की संख्या ज्ञात करनी थी तो हम एक काम यहाँ ये कर सकते थे, x का मान दोस्तों सीधे हम वहाँ पर 1 रखिए, 2 × 1 + 3 हो जाता, ये 5 हो जाता आपका ग्राम सभा में दोस्तों, यहाँ एक्स 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस का 5 × 1 हो जाएगा प्लस का 6, मतलब 6 5 11 एक 12, 12 × 5 हो गया 60, ऐसे भी हम आंसर निकाल सकते थे। लेकिन दोस्तों हमें चाहिए पूरा नंबर, तो थोड़ा बहुत तो भाई प्रयास करना पड़ेगा। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि एक काम 30 मजदूर 16 दिन में करते हैं तो 12 मजदूर इस काम को कितने दिन में करेंगे, आपको ये बताना है। चलिए दोस्तों मान लेते कोई काम है जिसको 30 मजदूर मतलब 3, इसका फार्मूला ऐसे याद रखिएगा M1 D1 बराबर होता है आपका M2 D2। अगर दोस्तों यहाँ वर्क दिया होता है कि कितना हो तो नीचे W1 आ जाता है, W और W करके ऐसे कर सकते थे। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ M की जगह क्या हो गया हमारे मैन हो गए या आदमी, 30 मजदूर इंटू में गुणा का दोस्तों चिन्ह बनाएंगे, कितना दिन लगाते हैं 16 दिन बराबर दोस्तों यहाँ पर लिखा दोबारा कितना है 12 मजदूर, तो यहाँ 12 कर देंगे और यहाँ हमें समय बताना है तो हमें D2 का मान निकालना है। इतना फॉर्मूला याद रखिएगा M1 D1 बराबर M2 D2, ठीक है ना, बहुत आसान फार्मूला है, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों M2 है और D फॉर दोस्तों यहाँ पर डे है, ठीक है, डे का मतलब दिन। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर दोस्तों D2 का हमें मान ज्ञात करना है तो D2 बराबर हो जाएगा आपका 30 × 16, नीचे दोस्तों ये चला जाएगा बटे में आपका 12। तो कैसे दोस्तों इसको निकालेंगे, देखिए 6 × 2 = 12 होता है, 6 × 5 = 30, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 8 × 5 हो गया 8 × 5 = 40, D2 दोस्तों आ जाएगा आपका 40 दिन। तो क्वेश्चन कैसा था आप ये बता सकते हैं कमेंट करके, आपको भले आसान लगा हो लेकिन आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए, ये क्वेश्चन दोस्तों DLET 2015 में पूछा जा चुका, उस समय इसका नाम BTC हुआ करता था, लेकिन दोस्तों 2015 में ये प्रश्न आ चुका है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा हमारा कि दो संख्याओं का योग है वो 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों हमें दो संख्याओं का योग दिया गया और एक बात और बताई गई है कि उनमें से एक संख्या जो है वो दूसरी की 2 गुनी है। तो ऐसे मान सकते हैं कि माना दोस्तों, लिख लीजिएगा पेपर में बढ़िया, माना पहली संख्या, ठीक है ना, पहली संख्या कितनी हमने मान लिया x है, तो दोस्तों यहाँ दूसरी संख्या क्या बोला गया 2 गुनी, तो दूसरी संख्या दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2x, ठीक है, और दोनों संख्याओं का योग 24 है, मतलब दोस्तों कहा यही गया कि x प्लस 2x का मान हमें 24 दिया गया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, x x जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x, ठीक है ना, इसको सब जोड़ लेंगे तो 2x प्लस x मतलब 3x हो गया बराबर आपका 24 आ गया। यहाँ से हम x का मान ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा 24/3, तो x का मान आ जाएगा हमारा 3 × 8 = 24, 8 आ गया, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि उनमें से एक संख्या जो दोस्तों आपकी x है वो 8 हो गई, और 2x की जगह हम रख देंगे 2 × 8 बराबर हो जाएगा 16। तो आपको संख्या बताना था तो आपका एक 8 आ जाएगा और एक आ जाएगा 16। तो आप लिख लीजिएगा पेपर में बढ़िया से कॉपी में कि पहली संख्या हमारी जो आई वो 8 थी, दूसरी संख्या दोस्तों जो हमारी आई वो 16 थी। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 17 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, कापियों की दोस्तों आपको वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 3, 6, 12 व 15 बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। छोटी से छोटी संख्या दोस्तों, तो आपके मन में आया होगा चलो हम LCM निकाल कर देख लेते हैं।
तो निकाल देते दोस्तों, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कॉपियों की दोस्तों वह छोटी से छोटी संख्या में दोस्तों क्या क्या था, 3, 6, 12 व 15 के बंडल, मतलब 3 लिख लीजिए, 6 लिख लीजिए, 12 और 15, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, जो आएगा इसका वही फाइनल आंसर होगा। एलसीएम निकालते हैं हम लोग, पहले 2 से भाग करेंगे, 2 3 6 हो गया, 2 6 12 हो गया, फिर यहाँ 15 हो गया, फिर दोस्तों 2 से भाग एक बार और जाएगा ना, ये 3 हो गया दोस्तों, ये भी 3 है, 2 3 6 हो जाएगा, 15 ऐसे लिख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ भाग जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 5 15, और लास्ट में दोस्तों 5 से आपका भाग चला जाएगा, 1 1 1 तो है ही है, लास्ट में 5 एकम 5, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा दोस्तों 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, कितना हो गया आपका आंसर, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 60। तो ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों पेपर में आते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका डीएलएड 2016 में पेपर में आ चुका है। अब देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, तो दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, 80 गुणे, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा 56 माइनस, फिर दोस्तों कर्ली ब्रैकेट आ जाता है, ऐसे ऐसे करके दिया गया है। देखिए गाइस, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा आपको याद होना चाहिए, आपके पास एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं बॉर्ड मॉस का नियम, ठीक है। बॉर्ड मॉस में सबसे पहले ब्रैकेट का भी जरा ध्यान रखते हैं, जो सबसे पहले दोस्तों सॉल्व करते हैं वो सबसे छोटा ब्रैकेट होता है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और लास्ट में बड़ा ब्रैकेट आता है, ठीक है। तो बॉर्ड मॉस में दोस्तों सबसे पहले हमें ब्रैकेट का ध्यान देना है, सबसे पहले हम चलेंगे छोटे वाले ब्रैकेट में, मतलब ये दोस्तों आप जो देख रहे हैं इसको ग्रीन कलर से हाईलाइट करते हैं, 13 माइनस 2 गुणे 5। लेकिन दोस्तों आपको एक बात और ध्यान रखना है कि माइनस का चिन्ह भी आप बीच में देख रहे हैं, पहले घटाना है कि गुणा करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ए से बॉर्ड मॉस में देखिए, डी का मतलब होता है आपका भाग करना, डिवाइड करना, एम से मल्टीप्लाई होता है गुणा होता है, ए से होता है एडिशन मतलब जोड़ करना, और एस से सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। तो गाइस से हम क्या करेंगे, 2 गुणे 5 गुणा कर लेंगे, 5 दूनी 10 होता है, 13 से 10 गया, 3 बचेगा, ठीक है, इसको यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। ये सब दोस्तों स्टेप के आपको पूरे नंबर देकर जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में गलती छात्रों से बहुत ही ज्यादा होती है, तो यहाँ पर स्टेप वाइज मार्किंग का फायदा आपको मिलता है। तो दोस्तों 5 दूनी 10 हो गया, 13 माइनस क्या हो जाएगा, अंदर 10 हो जाएगा, छोटा ब्रैकेट है, फिर कर्ली ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेंगे वैसे ही 80 गुणे में 56 हो गया, माइनस का दोस्तों कितना हो जाएगा, 7 गुणे 8 लिखा है ना, जैसे लिखा वैसे लिखे रहने देते हैं, 7 लिखा आपका, 7 गुणे 8, प्लस का दोस्तों 13 में से 10 गया, बचेगा 3। अब दोस्तों बारी आती है यहाँ पर 7 गुणा 8 करें कि पहले जोड़ दें, तो गाइस यही आप गलती करते हैं, अगर हम 8 3 11 जोड़ देते गुणा करेंगे तो सब कुछ बिल्कुल अनर्थ सा हो जाएगा, बिल्कुल अलग ही आंसर आ जाएगा, लेकिन गलती आप कहीं नहीं कर सकते हैं। पहले आप लिखेंगे ऐसे 80 गुणे 56, आपके मन में दोस्तों हमेशा बॉर्ड मॉस का नियम चलते रहना चाहिए, 7 गुणे 8 करेंगे, 30 80 56 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 56 प्लस का 3, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ये सब बंद, 56 में 3 जोड़ देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, 59 हो जाएगा ना, तो 80 गुणे में दोस्तों हो जाएगा आपका 56, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट के अंदर है, मतलब 56 प्लस 3 59 हो गया, 59। आप इसको घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 80 गुणे दोस्तों 56 में से 59 घटेगा तो ये -3 आ जाएगा, ठीक है, तो 80 गुणे 3 का मतलब हो गया आपका 240, लेकिन माइनस के साथ। ये आपका दोस्तों फाइनल आंसर है, और ये क्वेश्चन आपका डीएलएड 2017 में पूछा जा चुका है। तो गाइस आप कमेंट करके आपको बताना कि आपका पेपर कैसा रहा, 18 क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके सामने रखे हैं, पूरा 25 नंबर का आपका पेपर था, जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन थे वो एक एक नंबर के थे, अति लघुत्तरी दोस्तों वो भी आपका एक एक नंबर का था, लघुत्तरी सारे क्वेश्चन आपके 2 नंबर के थे। तो आपको बताना कि आपका पेपर कैसा रहा आज का, और देखिए वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक करना तो आपको बिल्कुल भूलना नहीं, अगर आप चाहते हैं डीएलएड मैथ की वीडियोस हमारी रेगुलर देख पाए, हमने कमेंट बॉक्स में आपके लिए एक लिंक दिया है डीएलएड मैथ चैनल का दोस्तों, आप उसको तुरंत जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में जितनी भी मैथ की वीडियोस होंगी वो वहीं पर अपलोड की जाएंगी, उसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, और दोस्तों जरूर से जरूर बताइएगा कि आखिर आज के पेपर के बाद आपका कैसा रहा परफॉर्मेंस। सबसे बड़ी बात पता है कि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न आपने देखे वो सारे क्वेश्चन कभी ना कभी डीएलएड पेपर में आ चुके हैं। अगर आपका स्कोर अच्छा है, 12 से ऊपर नंबर आ रहा है, देखिए पासिंग नंबर आपको बता दें 12 नंबर पासिंग मार्क होता है डीएलएड में, अगर आपने 12 नंबर या 12 से प्लस 13 14 15, या दोस्तों आपने 2 4 नंबर भी पार, अगर आपने हम कहते हैं 1 नंबर भी लाया ना, तो आपने कोई गलती नहीं किया, पर अगर आपके 0 तो भी आपसे कोई गलती नहीं, मतलब आपका एक प्रयास ही है गाइस, ठीक है। ये रियल का पेपर है जो आ चुका है, तो सारे क्वेश्चन हम आपके सामने रखे हैं, अलग अलग पेपर से उठाए, लेकिन हमने सोचा कि एक जगह से उठाएंगे तो आप लोग चालाकी कर सकते हैं, क्योंकि आपने हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ऐसे होता है कि अलग अलग रहता है तो थोड़ा बहुत घूम जाता है दिमाग। तो गाइस कमेंट करिएगा कि कितने नंबर आ रहे हैं, बाकी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना पेपर को, एक बार 2 4 बार रिविजन करेंगे सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। मैथ के दोस्तों हमने आपको पता है जैसे बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी के अलग अलग वीडियोज बना रखी है, उसको देखिए, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।